जब हम यंग होते हैं, या फिर यूं कहूं कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब हमें इस दुनिया ने डे टू डे लाइफ में फंसाया नहीं होता है, तब हमारे अंदर एक आग रहती है, जोश रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। हम उस वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर गुजर सकते हैं, और कुछ भी का मतलब लिटरली कुछ भी। जब हमसे इस एज में पूछा जाता है कि आप आगे चलकर या बड़े होकर क्या करना चाहोगे, तो आपका जवाब कुछ ऐसा होता है जो दुनिया हजम नहीं कर पाती दुनिया को, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन आपको अपने उस सपने पे पूरा यकीन होता है, और उस पॉइंट पे दुनिया चाहे आपसे जो भी कहे, आप तैयार होते हो अपने उस सपने के लिए कुछ भी कर गुजरने को। लेकिन फिर बात कहाँ बिगड़ जाती है, आखिर कहाँ हमारी गाड़ी पटरी से अलग हो जाती है? मैं बताता हूँ। हम लोग कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं और दुनिया हमें सेफ खेलना सिखा देती है, या और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कैसे रिस्क ना लिया जाए हमें ये सिखाया जाता है। हमें ये सिर्फ बताया ही नहीं जाता, बल्कि ये चीज़ हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है कि हम कितने कमज़ोर हैं, हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़े पैसे वाले नहीं हैं। हमें तो वही करना पड़ेगा जो सब करते हैं, हमें तो कॉलेज जाना चाहिए, फिर एक जॉब करनी चाहिए, और फिर शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। बस इतनी ही है हमारी ज़िंदगी, हमें ये सिखाया जाता है, जिसे हम मान भी लेते हैं क्योंकि हमें ये सब समझाने वाले भी हमारे ही लोग होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि मैंने तो मेरे दिल की शायद कभी सुनी ही नहीं, मैं तो सिर्फ बिल EMI पे करने में ही लगा रह गया, मैंने तो कभी रिस्क लिया ही नहीं। मेरे दोस्त, ऐसे मत बनो, तुम लिमिटलेस हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। वो हर सपना जो तुम सच्चे दिल से देखते हो, वो हर सपना तुम पूरा कर सकते हो। जब तुम उस सपने के लिए पागल हो जाते हो, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई ताकत है जो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे सपने की तरफ खींच रही है, जब तुम मेंटली वो सब करने के लिए तैयार रहते हो जो सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम उस सपने को ज़रूर पूरा कर लोगे, क्योंकि यही तो वो सीक्रेट है। जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, देख लो कितने ही सक्सेसफुल लोगों को, वो सब अपने सपने के लिए पागल थे, तभी उन्होंने वो ऊंचाई अपनी ज़िंदगी में हासिल की। किसी और का भरोसा करने से पहले तुमको खुद अपने सपने पे, अपने आप पे भरोसा करना होगा। कोई नहीं करेगा सपोर्ट तुमको अगर तुम खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे। कुछ नहीं हो तुम उस दुनिया के लिए अगर तुम खुद कदर नहीं करते हो अपने सपने की। कभी वक्त मिले तो ध्यान देना, ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ उन लोगों को फॉलो करते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की आदत होती है जो काम खुद नहीं कर सकते वो अगर कोई दूसरा करता है, या कोई दूसरा ज़िंदगी में बड़ा कुछ अचीव करता है अपने दिल की सुन के, तो बस उसे फॉलो करने लग जाते हैं। अंदर से तुम भी जानते हो कि शायद तुम भी एक म्यूजिशियन, एक डांसर, एक फोटोग्राफर, एक एक्ट्रेस या एक्टर, एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, लेकिन इस सोसाइटी के डेली रूटीन के चक्रव्यूह में फंस गए। अभी भी किसी बात के लिए देर नहीं हुई है दोस्त, एक बार रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करो। अरे ढूंढने से तो क्या नहीं मिलता, फिर तुम्हें तो बस अपने सपनों का रास्ता ढूंढना है। जय हिंद।